हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट NPO, क्लास 12th। और अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बट उससे पहले प्लीज़ बेटा, आप मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपना शेयर करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट था, यही वाले क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में, ठीक है। देखो कह रहा है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द, एक मिनट, राजधानी क्लब फोर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। बैलेंस इज गिवन है, बैलेंस इज हमारे ये वाले 2020 की बैलेंस शीट के लिए हैं और ये वाले 21 की बैलेंस शीट के लिए है। कैश इन हैंड दे रखा है, डिपॉजिट भी दे रखा है, करंट भी, तो तीनों किस में आएंगे? ये वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा दें, क्यों? सब्सक्रिप्शन की क्या है, आपको एडजस्टमेंट गिवन है। सब्सक्रिप्शन हमेशा मेरी किस में आती है? इनकम साइड आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बहुत ईजी है, इसके चारों चीज़ें जब भी दे रखी हों कोई टेंशन नहीं है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस करंट ईयर का एडवांस माइनस, बस ये आपको ट्रांजेक्शन लर्न कर रखनी है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। उसके बाद एंट्रेंस फीस है, अगर एंट्रेंस फीस के साथ कभी भी कोई नेचर नहीं लिखा होता कि इसे क्या एज्यूम करना है, तो हम कौन सा नेचर एज्यूम करेंगे? रिवेन्यू नेचर का एज्यूम करेंगे। और क्योंकि हमारी रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन है, तो ये रिसिप्ट सारी कौन सी तरफ जाएगी? इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लाइफ मेंबरशिप फीस मेरा कैपिटल नेचर का खर्चा है, कौन से नेचर का है? कैपिटल। और जो भी कैपिटल नेचर की इनकम होती है वो किस में जाएगी? आपकी लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एक बार फीस ले ली, लेकिन उसके बाद आपकी लाइबिलिटी है कि आपको आप उसको, जिससे भी आपने ये पैसे लिए हैं उसको फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं, ठीक है। न्यूज़पेपर सेल, न्यूज़पेपर सेल मेरा नॉर्मल का इनकम है, मतलब रेगुलर बेसिस का, जिसको कह सकते हैं हम रिवेन्यू नेचर है इसका, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आएगा। कैंटीन कलेक्शन भी मेरा रेगुलर बेसिस की ही कलेक्शन है, इसलिए ये वाली भी हमारी किस में आएगी? इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी रिवेन्यू नेचर की इनकम है, तो इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखो बस, एक तो लाइफ मेंबरशिप हमेशा ही किस में आएगा? आपका लाइबिलिटी में आएगा। दूसरा, एंट्रेंस फीस को अगर जब तक वो कहेगा नहीं ना, कैपिटलाइज समझना है आपको, ठीक है। अगर कैपिटल कह देता तो आ जाती आपकी लाइबिलिटीज में ही, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं कह रहा तो हमेशा क्या एज्यूम करना है आपको? रिवेन्यू नेचर की, ठीक है। एक दो ही चीज़ें हैं जो दोनों हो सकती हैं, वरना नॉर्मल सारी चीज़ें ना हमेशा इनकम और एक्सपेंडिचर में आएंगी। 90% इनकम और एक्सपेंडिचर में आती हैं। अगर कोई फंड होता है तो लाइबिलिटी, और फंड का ही फिर एक्सपेंसेस होगा तो लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। स्टाफ सैलरी नॉर्मल की एक्सपेंसेस हैं, हम रेगुलर बेसिस पे स्टाफ को सैलरी देते हैं, इसलिए रिवेन्यू नेचर के हैं, तो किस में आएंगे? एक्सपेंडिचर में। कैंटीन एक्सपेंसेस भी हमारे रेगुलर बेसिस के हैं, तो रिवेन्यू नेचर, जो रेगुलर बेसिस की अगर एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं उनको रिवेन्यू नेचर बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे एक्सपेंसेस में आएंगे। मिसलिनियस भी, मतलब जो बच्चे कुचे एक्सपेंसेस है, ये भी हमारे रेगुलर बेसिस के होते हैं, तो ये किस में आएंगे? आपके एक्सपेंसेस में, इनकम और एक्सपेंडिचर में। इंश्योरेंस भी मेरा कितने? 2000 रुपीज़ का है, इसको हम कैपिटल नेचर का नहीं एज्यूम कर सकते, चाहे मेंशन है चाहे नहीं मेंशन है, इसको हमेशा रेगुलर बेसिस का ही आपको एज्यूम करना है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोग हमेशा पे करते रहते हो, ठीक है। तो क्या आएगा? आप रिवेन्यू नेचर का एज्यूम करना है, और कौन सी साइड आएगा? एक्सपेंसेस साइड। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, इसलिए एक्सपेंसेस साइड। फर्नीचर परचेज़ किया है, तो ये हमेशा जो भी अगर कोई एसेट है परचेज़ किया तो बैलेंस शीट में जाएगा, ओल्ड वाले में परचेज़ वाला ऐड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज भी, जो पहली इन्वेस्टमेंट अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी इन्वेस्टमेंट जो भी एसेट है वो मेरी बैलेंस शीट में जाएगी, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, करंट ईयर की। करंट सारी चीज़ें करंट ईयर की बैलेंस शीट में आती हैं, ये वाली, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ गिवन होता है तो वो ओल्ड में जाता है। उसके बाद कह रहा है बैलेंस शीट का ये बैलेंस कैरी डाउन है, तो ये हमारी ओल्ड, मतलब करंट ईयर वाली 2021 वाली बैलेंस शीट का कैश इन हैंड, कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ओके। फिर सब्सक्रिप्शन की हमें एडजस्टमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
लास्ट ईयर वाला माइनस हो जाता है क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं होती, लेकिन करंट ईयर वाला प्लस हो जाता है क्योंकि वो हमें, हम यही अज्यूम करते हैं कि ये हमें मिल जाएगा एंड तक। लास्ट ईयर का एडवांस मेरे इस ईयर के लिए होता है इसलिए ये प्लस हो जाता है। करंट ईयर का एडवांस क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, अगर किसी ने हमें 2021 में एडवांस दिया है तो ऑब्वियसली वो 2022 के लिए है ना, तो इसलिए वो इस साल की इनकम नहीं होती, 2021 की इनकम नहीं होगी, इसलिए उसे माइनस कर देते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जो 2020 में किसी ने हमें एडवांस दिए थे तो वो किसके लिए दिए हैं, 2021 के लिए दिए हैं ना, इसलिए ये ऐड होते हैं लास्ट ईयर वाले एडवांस। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, जब भी वर्ड देख लो ना आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में क्या है, क्लोजिंग वाला जो भी हमारा एंड, क्लोजिंग मतलब 2021 और ओपनिंग मतलब 2020, भाई 2020 के जो भी आउटस्टैंडिंग है वो मेरे ओपनिंग होंगे और 2021 के जो भी आउटस्टैंडिंग है वो मेरे क्लोजिंग होंगे। एट द एंड भी कह सकते हैं, क्लोजिंग को हम क्या कह सकते हैं, क्लोजिंग कह लो, एट द एंड एंड कह लो, इनको ओपनिंग कह लो या एट बिगनिंग कह लो, एक ही बात है। हमेशा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ होंगी जहाँ भी, तो हम क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग का, जैसे सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हैं, लास्ट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देते हैं, ठीक है, बिगनिंग के, और जो करंट ईयर वाले होते हैं हमारे, क्लोजिंग वाले होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, प्लस। जैसे आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट करते हो ना, सेम हर चीज़, अगर किसी भी चीज़ के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया ना तो ट्रीटमेंट यही होगा, लास्ट ईयर लास्ट वाले या ओपनिंग वाले माइनस करंट वाले या एंडिंग वाले, ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर देखो कह रहा है, इसका मतलब ये 2020 में 10 था और अब कितना परचेज कर लिया, 15, तो 25 किस में आ जाएगा आप लोगों का, न्यू वाली बैलेंस शीट में, और मतलब 2020 की 10-1 की बैलेंस शीट में, और 2020 की बैलेंस शीट के लिए बैलेंस दे रखा है 10,000 फर्नीचर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हमें 2020 के लिए दे रखे हैं तो ये बैलेंस शीट में आएंगे, और क्योंकि नई के लिए कुछ नहीं दे रखा, 2020 में कुछ नहीं दे रखा, इसलिए ये 20 वाले ही ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जो भी एसेट होती हैं वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो ये 21 में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, तो डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ पर हो वो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चा होता है, रिवेन्यू नेचर का उसे एज्यूम करते हैं। और जो भी मेरी एसेट होगी, मतलब ये बैलेंस शीट में हमारी 25,000 की जो मेरी एसेट बन जाएगी, ये 15 ये परचेज वाले और 10 पहले वाले, टोटल हो गए 25, में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस शीट में कर देंगे। ऐसे ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2020 में तो आप 20 लिखोगे, लेकिन अब कह रहा है कि चार्ज करना उस पर डेप्रिसिएशन, तो जब आप 21 में इसे ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस करके डेप्रिसिएशन, तब आप इसे ट्रांसफ़र कर दोगे नई वाली सन में, नई वाली बैलेंस शीट में, 2021 की बैलेंस शीट में। बस कह रहा है यू हैव टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, और आपको बनानी है बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने ये थोड़ा, एक मिनट, पेज पर आप लोगों को समझाना शुरू करती हूँ। देखो क्यों दिख रहा है, हाँ, ये सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन है, तो ये वाला बैलेंस कहाँ पर जाएगा, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में, और ये वाला बैलेंस क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे ट्रांसफ़र करते रहो। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश इन हैंड कह लो, या बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लेना आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले कह रहा है कैश इन हैंड दे रखा है 4,000, और कैश इन डिपॉजिट, बाय नहीं आएगा बेटा सॉरी, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट कितना 16,000, और कैश इन करंट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट, तीनों का ये ट्रांसफ़र कर लिया आपने। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लास्ट वाले बाय बैलेंस लिखोगे आप लोग तो कैश इन हैंड 6,700, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 20,000, कैश इन करंट अकाउंट, कैश इज इन करंट अकाउंट कितना 4,200, ये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मेरी किस में आती है, इनकम और एक्सपेंडिचर में, और कौन सी साइड, इनकम साइड, तो यहाँ पर लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया आपने, रिसीव लिखोगे 80,000, कितना 80,000। और देखो ध्यान से समझना इसको, उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की माइनस हो जाता है तो हम पहले ही लिख लेंगे ऐड क्या क्या होता है और लेस क्या क्या होता है। आपको अगर इसकी ट्रांजेक्शन पता है तो ऐड क्या क्या होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का एडवांस, क्योंकि वो करंट इस साल के लिए होता है, लास्ट ईयर एडवांस वो हमारी 2021 की इनकम होती है इसलिए ऐड होगी। लेस क्या क्या होता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्योंकि वो लास्ट ईयर की ही इनकम होती है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के होता है, करंट ईयर एडवांस। ठीक है, अब बस इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 7,000 तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे दिखते हैं नहीं दिखेगा, और करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस वो सॉरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5,600, लास्ट ईयर का एडवांस है 2,000, ये रहा 2,000 लास्ट ईयर का एडवांस क्योंकि इस साल के लिए होता है इसलिए प्लस, और करंट ईयर का एडवांस क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए होता है इसलिए माइनस। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग को लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, करंट ईयर वाले को करंट ईयर वाले में, तो साथ के साथ हम ट्रांजेक्शन्स करते जाएंगे। देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो हमारी इनकम साइड यहाँ पर आएगा, एसेट साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 50, वो लास्ट ईयर का 7,000। ठीक है, और करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्लस हो रहा होगा वो करंट ईयर का ही होगा 5,600। सेकंड एडवांस की भी एंट्री कर दो, लास्ट ईयर का एडवांस 2,000 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस कितना है बेटा, सब्सक्रिप्शन हमें लास्ट ईयर की 2,000 रिसीव्ड हुई थी एडवांस, और करंट ईयर की एडवांस कितनी है 2,500, तो यहाँ पर लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस 2,500। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, साथ के साथ सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते जाओगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा वेस्ट होने से। क्लियर, उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंट्रेंस फीस, तो ये मैं नॉर्मल इनकम मानती हूँ इसको हमेशा, तो एक मिनट क्या कह रहे हैं एंट्रेंस फीस, तो यहाँ पर ही आ जाएगी आपकी बाय एंट्रेंस फीस, फीस कितना है 12,000, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 12,000। अभी इसका बैलेंस अभी बाद में कैलकुलेट करें। उसके बाद कह रहा है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस हमेशा मेरी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ पर लाइफ किधर की तरफ ट्रांसफ़र होगी, हमेशा बैलेंस शीट में करंट ईयर वाली लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, या तो इसको कैपिटल फंड में ऐड कर दो या अलग से भी आप इसको शो कर सकते हो, कितना है 15,000। क्लियर, उसके बाद क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर सेल किया है तो यहाँ पर ये नॉर्मल इनकम है बाय न्यूज़पेपर सेल, रिवेन्यू नेचर का है 200 आ जाएगा। उसके बाद है कैंटीन कलेक्शन, भी हमारा नॉर्मल नेचर का है तो कैंटीन कलेक्शन भी आप इसमें ही आएगा आपका बाय रिवेन्यू नेचर की इनकम है कैंटीन कलेक्शन, कितना है हमारा कैंटीन कलेक्शन 4,400। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो ये भी हमारा रिवेन्यू नेचर की इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं उस पर हमने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, कितना है हमारा इंटरेस्ट 1,600। क्लियर, यहाँ तक ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, उसके बाद है हमारे इधर वाले ट्रांजेक्शन्स हम ट्रांसफ़र करेंगे, स्टाफ सैलरी हमारा रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, अब है ना आप लोगों की इधर वाली ट्रांजेक्शन्स
सबसे पहले आ जाएगी आप लोगों की स्टाफ सैलरी। तो देखो यहाँ पर आ जाएगी आपकी स्टाफ सैलरी, तो रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे वाई वो सॉरी टू स्टाफ सैलरी। लेकिन इसकी एक ट्रांजेक्शन है, इसलिए सबसे पहले आपको वो ट्रांजेक्शन देखनी पड़ेगी स्टाफ सैलरी की, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। ये रही सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी में हमेशा क्या करोगे, जब भी आउटस्टैंडिंग की बात हो, अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों की, पहले यहाँ पर सैलरी है 35,400। देखो ये ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्ड किसी के भी साथ ऐड हो जाए बेटा, चाहे रेंट है आउटस्टैंडिंग, चाहे सैलरी है, चाहे सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, चाहे एक्सपेंसेस है, जिसके साथ भी वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग, कौन सा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मेरी होती है लायबिलिटी, क्या होती है लायबिलिटी। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी लायबिलिटी की, जो एट द एंड वाला कह लो, एट द एंड वाला या फिर क्लोजिंग वाला या फिर करंट ईयर, सारी बातें एक ही मीनिंग है इसका। एट द एंड मतलब 2021, अगर हम 21 का इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, किसका बना रहे थे हम 21 का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो इन 21 का ही एंडिंग ईयर होगा, क्लोजिंग 21 ही होगी और करंट ईयर भी 21 होगा, तो इन तीनों का मीनिंग ही एक ही है। तो ऐट द एंड वाले ऐड करने और ओपनिंग ऐट द बिगनिंग कह लो, बिगनिंग कह लो, मतलब क्योंकि बिगनिंग किससे होगी 2020 के से बिगनिंग होगी, क्योंकि 2020 का जो भी ट्रांजेक्शन है वो 1 अप्रैल 2021 को 21 को ओपनिंग होगा एक तरह से, बिगनिंग कह लो, ओपनिंग कह लो या फिर लास्ट ईयर कह लो, ठीक है। मतलब लायबिलिटी जहाँ भी होगी, आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया लायबिलिटी, लायबिलिटी में उल्टा करना है, क्लोजिंग वाला प्लस और ओपनिंग वाला माइनस। आप कैसे, बहुत आसान है, देखो एसेट में सीधा सीधा चलना है, कैसे बिगनिंग वाला या ओपनिंग वाला प्लस, जैसे शुरू करते हैं वो प्लस और एंड वाला माइनस, लेकिन लायबिलिटी में उल्टा जाना है, एट द एंड वाला क्या करना है आपको प्लस करना है और बिगनिंग वाला माइनस करना है। तो बिगनिंग वाला आपको याद आ जाएगा, बिगनिंग मतलब लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर से शुरुआत करनी है। आप बिगनिंग वाला इसको मत सोच लेना 2021 बिगनिंग है, नहीं, शुरुआत कहाँ से की थी 20 से, तभी तो हम 20 की भी बैलेंस शीट बनाते हैं फिर 21 का इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो बिगनिंग कौन सा है 20, और 21 क्या है करंट ईयर, क्या है एंडिंग वाला, ठीक है। तो लायबिलिटी में उल्टा चलना है, एंडिंग या क्लोजिंग वाला प्लस और ओपनिंग या फिर बिगनिंग वाला माइनस, ठीक है। अगर यही मेरी एसेट होती, एसेट्स में क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, प्रीपेड हो सकता है और एडवांस हो सकता है, ठीक है, प्रीपेड इसलिए सब्सक्रिप्शन एडवांस होता है। तो देखो इसमें अगर किसी को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए बता रही हूँ मैं, क्या करना है आपको, एट द बिगनिंग, मतलब जैसे करते हैं एसेट में वैसे ही करना है, कि बिगनिंग वाला प्लस कह लो या ओपनिंग वाला प्लस कह लो या फिर ये सारा क्या होगा लास्ट ईयर कह सकते हैं, ये दोनों हैं ही क्या, लास्ट ईयर वाले ही तो हैं, ये प्लस होंगे, और माइनस क्या होगा एट द एंड वाला कह सकते हैं, क्लोजिंग वाला कह सकते हैं और करंट ईयर कह सकते हैं, ठीक है, इनको माइनस करते हैं। तो अगर मुझे आउटस्टैंडिंग की ट्रांजेक्शन अब दे रखी है, स्टाफ सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे पता है आउटस्टैंडिंग में उल्टा चलना है, क्लोजिंग वाला प्लस क्या करना है, क्लोजिंग को प्लस करना है और बिगनिंग वाले को माइनस करना है। तो देखो क्लोजिंग वाला कौन सा हुआ हमारा, करंट ईयर वाला क्लोजिंग होता है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला कौन सा है हमारा, सैलरी 1800 तो प्लस के और 1200 माइनस के, तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों का डिफरेंस 600, इसमें मैं 600 प्लस करूँगी तो मेरा 36,000 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको ट्रांसफ़र करना है, क्लोजिंग वाली सैलरी क्लोजिंग में जाएगी, मतलब कौन सी वाली बैलेंस, क्लोजिंग वाली सैलरी कौन सी है, ये 2021 वाली है और बिगनिंग मतलब 2020, तो 20 वाली 20 में और 21 वाली 21 में, कहाँ पर देखो ये रही आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगनिंग की है तो बिगनिंग में ट्रांसफ़र कर दो, कौन सी है बिगनिंग वाली, ये वाली है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि मेरी लाइबिलिटी होती है इसलिए ही लाइबिलिटी साइड, और जो हमारी क्लोजिंग वाली है वो 2021 की इसलिए यहाँ पर आ गई, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आई थिंक।
उसके बाद और क्या क्या दे रखा है हमें, कैंटीन एक्सपेंसेस दे रखे हैं नेक्स्ट, तो यहीं पे मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू कैंटीन एक्सपेंसेस। कैंटीन एक्सपेंसेस कितना है 3500। इसकी वजह से सम को थोड़ा सा दोबारा करना पड़ा था कि मैंने गलती से 800 लिख दिए थे बेटा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस 800। इंश्योरेंस, हम ये दोनों हमारे रिवेन्यू नेचर के हैं तो इसलिए हमेशा किस में आएंगे, इनकम में, एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि रिवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी मैं रेगुलर बेसिस पे भरते रहते हैं, हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो उसकी पॉलिसी जाती रहती है हर बार प्रीमियम, इंश्योरेंस, तो ये भी मेरा रिवेन्यू नेचर का होता है इसलिए यहाँ पर आएगा 2000। टेलीफोन एक्सपेंसेस भी रिवेन्यू नेचर के हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है 4800। ठीक है, इन्वेस्टमेंट परचेज, अब कोई भी एसेट या फर्नीचर परचेज, ये दोनों परचेज हैं, ये कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में, वो भी कौन से वाले में, 2021 में, क्योंकि ये 21 की ट्रांजेक्शन्स है। तो अब देखो जो फर्नीचर परचेज है और हमें लास्ट वाला भी फर्नीचर दे रखा है, तो मुझे तो याद है लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं पता तो हम क्या कर देंगे, फर्नीचर परचेज अभी फ़िलहाल लिख दिया कि 15000 का फर्नीचर परचेज किया है। ऐसे इन्वेस्टमेंट परचेज है तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट पुरानी दे ही नहीं रखी तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी, कितना इन्वेस्टमेंट कितने की 46000। क्लियर हो गया, फर्नीचर क्योंकि ओल्ड भी है अभी हम उसकी भी ट्रांजेक्शन करेंगे। ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी हो गई, हम आउटस्टैंडिंग की भी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन की भी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, अब हमने सैलरी की भी ट्रांजेक्शन कर दी, फर्नीचर की करने हैं, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब देखो फर्नीचर हमारा क्योंकि ओपनिंग दे रखा है तो यहाँ पर आएगा आपका फर्नीचर, फर्नीचर कितना आएगा आप लोगों का 10000। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कितना 20000। ये वाली जो एसेट है ना वो यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, दो ही एसेट हैं तो दोनों यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगी ही होंगी, ठीक है, बट अगर सेल कर रहे होते हैं यहाँ पर तो माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ पर तो ज़रूर ट्रांसफ़र होंगी। फर्नीचर पहले था 10000 का, 15 का और परचेज कर लिया, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज इट इज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 20000 का। ठीक है, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई, फर्नीचर और स्पोर्ट्स पहले वाले हैं, इन्वेस्टमेंट नया आया है। अब वो कह रहे हैं इन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, देखो ये रहा, फर्नीचर पर भी और स्पोर्ट्स, तो डेप्रिसिएशन हमें पता है कहाँ पर आता है, इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो टू डेप्रिसिएशन। अब मैं बुक को हटा देती हूँ, टू डेप्रिसिएशन किस किस पर है, फर्नीचर पर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर, ठीक है, दोनों पर है, और क्योंकि इन दोनों पे डेप्रिसिएशन है इसलिए इसका भी डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे, तो मैंने ये गलती से डायरेक्ट कर दिया, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन जो आएगा, कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन हमारा 30% है, तो ये 6000 आ जाएगा, 20000 का 30% 6000, तो यहाँ पर 14 आ जाएगी, ठीक है। और फर्नीचर पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो कितना परसेंट 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब आप लोग ध्यान से देखना, देखो जो पुराना वाला फर्नीचर है 10 पे 20% 2, तो ये वाला दोनों पे 25% 1000 हमारा फर्नीचर हो गया, दोनों पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, हमेशा पुराने पे भी होगा और नए पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये नहीं बता रखा कौन सी डेट को परचेज किया, इसलिए फुल ईयर का लगेगा 100%, यहाँ पर आ जाएगा 5000, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 5000 तो फर्नीचर का आया है आपका, और इसका कितना आया था 6000 इसका आया, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 11000, और यहाँ पर क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, कितना आया था हमारा फर्नीचर का 5000, तो टोटल कितना 25 - 5 डेप्रिसिएशन, तो 20000 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एसेट में तो जो माइनस होता है वैसे इनकम और एक्सपेंडिचर में जाता है, ठीक है। अब हमारी हो चुकी हैं सारी ट्रांजेक्शन्स, अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 87600 में से यहाँ पर 2500 है, 9500 माइनस कर दोगे आप
तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, कितना आएगा देखिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 87,600 में से 9,500 001 ना यहाँ पर आएगा, 17 में से 9 गई तो 78,100 हाँ यही आ रहा, 78,100। ठीक है, हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं। अब बैलेंसिंग फिगर से हम क्या निकालेंगे, बैलेंस शीट। इसका बैलेंसिंग फिगर से तो 2 सरप्लस आ जाएगा, ठीक है, और इनका बैलेंसिंग फिगर से, इसका बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल फंड आएगा, और यहाँ पर कैपिटल फंड और सरप्लस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो कितना आएगा ये 78,000, फिर 12,000, 2,000, 4,400 और 1,600। ये आपका आ जाएगा 96,300 और इसमें से ये माइनस करोगे आप तो आ जाएगा आप लोगों का 36,000, 3,500, 800, 2,000, 800 है यार, 2,000, 4,800 और 11,000, 800 मैं स्टॉप कर देती। देखो बेटा ये आपको टोटल करोगे, इन सबको टोटल करोगे ये आ जाएगा 58,100। 96,300 में से 58,100 जब आप माइनस करोगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 38,200 सरप्लस। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपको किसी को लेना हो तो आप लोग ले लेना। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा है, इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा आप लोगों का कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 400, 7,000, 7,052, ठीक है, 10,000 और 20,000, ये आ जाएगा आपका 62,200। ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे कितना, 32,000, तो ये आ जाएगा आप लोगों का कितना, 59,000, तो ये आ जाएगा 59,000, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर से। अब कैपिटल फंड यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल फंड कितना, 59,000, उसमें क्या ऐड कर देते हैं, सरप्लस, सरप्लस, सरप्लस कितना आया था मेरा, 38,200। ठीक है, इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा 200 और यहाँ पर 97,200। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें टोटल करना है, क्या दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आएगा तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हम टोटल कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं हम टोटल 97,200, 1,800, 15,000 और 2,500। ठीक है, 1,16,500, 1,16,500 इधर का तो करेक्ट है। अब इसका और टोटल कर लेते हैं हम लोग, कितना है ये हमारा, 67,000, 20,000, 4,200, 5,600, यहाँ पर 14,000, 20,000 और 46,000, ये हो जाएगा 6, 8, 10, 15, 15 और 5, 20, 26, 6, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया 11,000, वो 1,16,500। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक नहीं की। ठीक है, तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो मैं एक ऐसे आइडिया कर सकता, ओहो नो 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 नो, क्या हो गया ये, ये आप लोगों की हो जाता है बेटा, उसमें थोड़े कैमरे में प्रॉब्लम,
वो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये, और ये रहा आपका इनकम एंड आई थिंक आपको दिख रहा है अच्छे से इनकम एंड एक मिनट एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है करेक्ट है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेटा मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। ओके।